तो सत्संग सुजन करना यही अपना काम है। नानक साहब कहते राम सुमर यहो तेरो काज है। माया को संग त्याग प्रभु जी की शरण लाग और जगत सुख मान मिथ्या चतुर सब सार है। सपने जो धन पिछान काहे को गलत मान बालू के भी जैसो वसुधा को राज। संसार कुछ नहीं बालू की भी डरते देर नहीं बालू की भी जैसो वसुधा को राज है। नानक जन कहत बात कहते मैं सच कहता हूँ नानक जन कहत बात बिनस जाए को तेरे होगा तुम्हारी देह बिनस जाए। नानक जन कहत बात बिनस जाए वो तेरो बात और छिन छिन कर गयो काल तैसो जात आज है। जैसे इतिहास में टूट गया उसे आज ही टूट जाएगा। छिन छिन कर गयो काल तैसो जात आज है। नारायण स्वामी कहते हैं बहुत गए थोड़ी रही नारायण अब छेत काल चिड़िया चू रही निर्दिन आयु। बहुत समय बीत गया और थोड़ा समय बच गया है। आयु रूपी खेत से काल रूपी चिड़िया समय के दाने चुग रही है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत काल चिड़िया चुग रही निस्दिन आयु खेत। छन छन काल अकाल बितावत भजता नाही हरी मन पामर हो नर्तन काहे। लक्ष्मीपति महाराज कहते हैं रे नीच मन मनुष्य के देह पकड़ने से क्या फायदा। काल छन छन पल पल समय समाप्त कर रहा काले बिता रहा है। जब पूरा समय हो जाएगा बिना किसी सूचना के चेतना को धक्का देके बाहर कर देगा। इसीलिए अंतमति सो गति देह त्याग के समय जो ख्याल होता है बस वही जन्म का कारण होता है। सज भाई कहती है सात संगति की वासना देघट पूरी हो मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति प्राप्त हो। जो अंत समय में सत्संग मिल रहा है तो आने वाला समय भी अच्छा जरूर हो जाएगा। इसीलिए अंत भला तो सब भला अंत भला तो सब। एक वेश्या ने अपनी दासी से कहा देखो जी समाज में अमुक की मृत्यु हो गई है पता लगाओ तो स्वर्ग में गया नरक में गया। एक भला आदमी सुन रहा था उसको बड़ा आश्चर्य रुक गया देखे दासी क्या खबर लाती है। थोड़ी देर में दासी आई बोली मालकिन उसको तो स्वर्ग मिल गया। अब उसको आश्चर्य हुआ गया पूछने तुम्हारी दासी है कैसे जान गई कि मरने वाला स्वर्ग में गया। तो उसने कहा महाराज मरने के बाद समाज के लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं अफसोस करते हैं बहुत भला आदमी चला गया ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं और जिसके लिए लोग कहते हैं कि बड़ा दुष्ट था भले मर गया ऐसे लोग नरक जाते हैं ऐसे लोग नरक जाते हैं। इस तरह से अंतमति सुगति राजा भरत ने मृगा की याद की थी तो उनको अंत में जे छूटने पर मृगा की दे बड़े सावधान रहते थे फिर उनको मनुष्य के देह मिले तो ऐसा बना के रहते थे वो जाने नहीं। जब भरत कहे गए तो भीतर से बड़े होशियार थे। सहज भाई कहती हैं जन्म चलो ही जा तू है एक दिन आछे जाए अजीबत जागा ना करी बैठो गए थे। समय बीत रहा है और जो समय है वह भी बीत जाएगा।
जागतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए परिवार किया, घर मकान बनाया, नौकरी की और जहां तक जो कुछ वस्तु सब किया। और शरीर छोड़ने के बाद तुम कहां जाओगे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो सहज फिर पछताए, श्वास निकल जब जाए, जब लग रहे शरीर में नाम सुन, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। मन पछताई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाय पर भागे, नाम न जप रहते आत्मघाती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नानक साहब कहते हैं, दुर्लभ देह पाय पर भागी, नाम न जप रहते आत्मघाती। 84 लाख जोने मनुष्य श्रेष्ठ, मनुष्य की देह में रहने वाला जीव स्मरण नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है तो आत्मघात करता है, वो अपने को मिटा रहा। जो सुना सत्संग करता है वह जीत कर जाता है संसार से, नाम भजा सुई जीता, जन्म में नाम भजा सुई जीता। मान लिया जीवन में 1 करोड़ जाप कर लिया तो पूंजी जाएगी साथ में, तो शरीर स्वस्थ मिलेगा, माता पिता स्वस्थ मिलेंगे, शरीर स्वस्थ मिलेगा, बचपन में दूध की कोई कमी नहीं। और 2 करोड़ जाप की पूंजी साथ लेकर जाएगा तो घर जमीन की कमी नहीं, घर की कमी नहीं, व्यवस्था की कमी नहीं। और 2 करोड़ से कम की पूंजी लेकर जाएगा, जमीन खरीदो तो घर बनाओ बड़ा मुश्किल है, जमीन खरीदो तो घर बनाओ, तो कम से कम 2 करोड़ की पूंजी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। और 3 करोड़ की पूंजी इकट्ठी कर लिया चले गए तब तो बचपन से ही बहुत मान आदर मिलेगा, और निमित्त हो जाएंगे, सब लोग चाहेंगे, तब बहुत सुंदर, सब लोग चाहेंगे। और पढ़ने के लिए गाड़ी की व्यवस्था होगी, खर्चे की कोई कमी नहीं होगी, घर की कमी नहीं होगी। अब कहीं कम जा करके शरीर छोड़ दिए तो अभाव में पड़ जाएंगे, बांस का घर, लकड़ी की टट्टी, मिट्टी ले लिए उसमें तो बड़ा बखेरा, मिट्टी लेते रहिए, और चूहा खोलेगा भी तो भरते रहिए जीवन भर। तो इससे अच्छा है पूंजी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जाके पूंजी नाम है कबो न वो कहला, नाम भी ना मानवा जल में हाथ दिखा, हर दम रखो कबिना हटो तो छेड़ेगा का छेड़ाने करता है। गुरु से देखे उतरे शब्द बिलू ना हो, ताको काल घसीट है राख सके नहीं, कोई दूसरा बचान नहीं पाएगा, कोई ताकत बचान नहीं पाएगा। सुना कर लेंगे काल का कोई ताकत खिला नहीं पाएगी। गुरु पद को गौरव प्रताप, भक्तन को हर ताप, अति कराल काल कांप, अस्त भाव न्याय। काल गुजरता है, काल से सारी दुनिया डरती है, और सुनन करने वाले से काल डरता है। सुर नर मुंड सहय काल बस हो, सहय काल बस हो, मौत कालों की होती, अपार ब्रह्म भगवान बड़े ना अवगत ज्योति, जाको काल जराय कोटता ही पी ली जाए, काल कहा बसाए भक्त जो गुरु की जाए, जरा मरण मिट जाए सहज में आना जाना, और जप के नाम अनाम संजन तप समाना, भय धनंतर मर गया पलटू अमर न कोय, सूर नर मुंड के सभय काल, सब काल से डरते हैं, काल बड़ा बलवान है, काल महाबलवंत बलूर को साध रहो सर ऊपर तेरे, आ एक घड़ी महमाल गिरावत लागत ताहे कछु नहीं होए, काल बड़ा बलवान है, उसे सभी डरते हैं। सो कबीर साहब कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि देख सुर सवनी असुर दास भगवंत भजन बनो सुख तिहु लोक में। कहते हैं रूहानी मंदिरों की यात्रा में मैंने ब्रह्म लोक विष्णु लोक शिव लोक सबको देखा है, सभी पंथे बिगड़ते हैं, सुखी ऊपर उपजते हैं इसलिए बिगड़ते हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवान और पूज ही जा जाएगा। एक ऐसी सत्ता है जो कभी उपजता उपजती नहीं, उसका विनाश नहीं होता है और उसी की पहचान भव सागर के पार में होती है। तो भाव के अंदर सभी पंक्ति बिगड़ते हैं। गरीब कहे धनवान सुने धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भक्त बिना सब लोग भारी। इसीलिए सहजबाई कहते इंद्र को पदवी मिले और ब्रह्म की आग आगे तो भी मरण है सहजो सकल बहाव। इसलिए मनुष्य बहुत अच्छा है। तुलसी साहब कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसो मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिद दो स्वर्ग से नरक में आवे, घर में चारों खान पुण्य कहीं तुलसी स्वर्ग पर करे खार और नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कह। सभी कहते हैं मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य के देह में रहने वाला अपने समय का सदुपयोग नहीं करता है उसका बड़ा दुर्भाग्य होता है। तो आप समय का सदुपयोग करते हैं यह आपका बहुत बहुत सौभाग्य है। गिरिदा संत समागम समलाल कछुआन दोनों हरि कृपा न हो सो गावन पुराण। तो सत्संग सुमिरन में अपने को समय लगाना यह सबसे बड़ा लाभ है जो परमात्मा कृपा से संभव है। बोलिए।